52वें महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर नवी मुंबई स्थित नवी मुंबई स्पोर्ट्स ग्राउंड पर नवी मुंबई पुलिस द्वारा परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें अग्निशामन दल, रैपिड एक्शन फोर्स, नवी मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी शामिल थे। परेड शुरू करने के पहले सुबह 8 बजे भारतीय ध्वज को कोंकण आयुक्त SS संधु द्वारा फहराया गया। उसके बाद कोंकण आयुक्त ने परेड में शामिल जवानों का मुआयना किया। परेड में शामिल जवानों के साथ साथ महिला पुलिस जवान भी शामिल थी। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अहमद जावेद तथा कामगार मंत्री ने जवानों को सलामी दी। आप देख सकते हैं, ये सभी नवी मुंबई पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने बड़े ही लय में परेड को अंजाम दिया। महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में इस परेड का आयोजन किया गया था। वहीं इस अवसर पर पुलिस विभाग में कार्यरत उन पुलिस जवानों को विशेष सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए, जिसमें पनवेल पुलिस थाने के अधीक्षक राव कोड, श्रीकांत पाटिल, सुनील कदम, गिरधर गोरे, संतोष गोसावी, साहेबराव भोसले, जितेंद्र कोड़े को सम्मानित किया गया। इस परेड में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया तो वह था श्वान पतंग। आप देख सकते हैं, ये पुलिस विभाग का खोजी कुत्ता है जो परेड में शामिल है और पुलिस आयुक्त तथा कामगार मंत्री को सलामी दे रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों ने इस अवसर पर कामगार मंत्री SS संधु से बात की। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी स्थानिक और कोंकणवासी हैं और पूरे महाराष्ट्र के हमारे नागरिक हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिस तरह से राज्य आगे बढ़ रहा है, इसको और भी गति से आगे ले जाना है, इसके लिए सारे जो चाहे वो नौकरशाही है, चाहे लोकशाही है, सभी जिसके अंग हैं, उन्होंने एकजुट के काम करें, ये प्रण रहेगा हमारा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए काम करें और अच्छे तरीके से काम करें, ताकि हम महाराष्ट्र को जैसे आज एक नंबर वन पे है, ऐसे नंबर वन पे इसको कायम रखें। सर, ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र का नाम भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों के लिए भी जाना जा रहा है, वो भी उस पर काफ़ी इन सालों में बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता ये दुखद है? बिल्कुल दुखद है, और हर जगह पे एक आत्म परीक्षण होना चाहिए, ये क्यों है, और इसके लिए हर स्तर से आवाज़ भी उठाई जानी चाहिए और हर तरह से प्रयत्न भी होने चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हों और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लगाम दी जाए। कामगारों को न्याय दिलाने की यहाँ तक बात है, हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ही यहाँ पे प्रो लिबरल कायदे रहे हैं, और महाराष्ट्र दिन भी एक उसका उसी उपलक्ष्य में कि आज 1 मई है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, और उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र पहले ही बहुत सारी जैसे इंडस्ट्री में कहीं भी है तो महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन दी जाती है लेबरर को। और मैं ये कहूँगा, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोग्राम NREGS का चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है, उसके तहत महाराष्ट्र ने पिछले साल में इतनी बढ़िया प्रगति की है कि अगर 2010-11 का आंकड़ा देखें तो हमने 300 करोड़ का खर्चा इस योजना के तहत किया था। और उसी योजना के तहत, मतलब इसमें है कि मजदूरों को 100 दिन का काम तो देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसके बाद का जो रोजगार देना है वो राज्य सरकार ने खुद जिम्मेदारी ली हुई है। तो उसके चलते पिछले साल जो 300 करोड़ का ही खर्चा हुआ था, लेकिन इस साल जो 11-12 है महाराष्ट्र में 1600 करोड़ का इस पर खर्चा हुआ। तो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को न्याय दिया जाए और ताकि वो भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सके। फिलहाल आज बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस मनाया गया।